नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1971 के युद्ध के बारे में। उस समय के प्रधानमंत्री 1971 का युद्ध जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने पाक के सामने एक बड़ी शर्त रखी थी। भारत से 1971 का युद्ध हारने के बाद अगर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक चाल ना चली होती तो शायद पाक अधिकृत कश्मीर का काफ़ी बड़ा हिस्सा भारत के पास होता। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी पाकिस्तान के काफ़ी हिस्से पर भारत का अधिकार होता। हालांकि इंदिरा गांधी को इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं था कि जुल्फिकार इस हद तक सोच सकता है। युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के सभी युद्ध बंदियों और कब्जा की गई ज़मीन को वापस कर दिया था। इस बड़े फैसले को लेकर के इंदिरा गांधी के आलोचकों ने उनकी निंदा भी की थी। दरअसल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को 90,000 से ज़्यादा सैनिकों और नागरिकों को युद्ध बंदी बना लिया था। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के कई इलाकों में भारतीय सेना का कब्जा हो गया था। भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के पार जाकर के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी कई किलोमीटर अंदर चली गई थी। बताया तो ये भी जाता है कि कुल मिलाकर पाकिस्तान का 15,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन भारत के पास आ गई थी। ऐसे में भारत फ्रंट फुट पर था। दोनों को लग रहा था कि पाकिस्तान पर अब पीओके के मुद्दे पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुधवार को कश्मीर मुद्दे पर बुलाए गए एक संयुक्त सत्र के दौरान दावा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दावा किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने बड़े समझदारी के साथ इंदिरा गांधी से भारतीय सेना द्वारा कब्जाई हुई सारी ज़मीन और पाक बंदी कैदियों को छुड़वा लिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर को मौजूदा हालात को लेकर के पाकिस्तान को भी करना चाहिए। बता दें कि आसिफ अली जरदारी जुल्फिकार अली भुट्टो के दामाद हैं। आपको ये भी बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध के बाद अपने कब्जे वाली पाकिस्तान की ज़मीन और 90,000 से ज़्यादा युद्ध बंदियों को लेकर बातचीत की थी। इस बैठक में इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार से कहा था कि हम आपको भारतीय सेना के द्वारा कब्जाई गई अमीर और पाक युद्ध बंदियों में से कोई भी एक ही लौटा सकते हैं, यानी या तो ज़मीन लौटा सकते हैं या फिर युद्ध बंदी। उन्होंने कहा कि अब आप ही बताइए कि आपको क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए या युद्ध बंदी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक चाल चली और ज़मीन की मांग कर ली। दरअसल वह जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कारण भारत को कभी न कभी पाक सैनिकों को छोड़ना ही होगा। फिर 90,000 से ज़्यादा युद्ध बंदियों को रखना आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद सौदा नहीं होगा। ऐसे में इंदिरा गांधी ने ज़मीन और युद्ध बंदी दोनों को ही पाकिस्तान को लौटा दिया। एक न्यूज़ के अनुसार बताया गया था कि हमें यह महसूस करना चाहिए कि 1971 के युद्ध के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कैसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP का गठन कश्मीर के लिए किया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बातचीत के बाद पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा से कब्जाई गई ज़मीन वापस ले ली। PPP के नेता ने यह भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे को रद्द करने के लिए भारत का निर्णय पूर्वी पाकिस्तान की त्रासदी के समान गंभीर है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दा पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद की दूसरी बड़ी घटना होगी। दोस्तों उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो चाल चली थी वो उसमें कामयाब हो गए। हालांकि हमने ये युद्ध जरूर जीता, लेकिन उस समय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अगर जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह सोचा होता तो शायद आज पीओके हमारे पास होता। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।